नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म HS न्यूज पर। HS प्राइम में पेश हैं दिन भर की बड़ी खबरें। हैदराबाद कांड के चारों दरिंदे एनकाउंटर में ढेर। दिशा के पिता बोले, अब मिलेगी बेटी की आत्मा को शांति। हैदराबाद कांड के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद तेलंगाना पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर VC सजनार बोले, आरोपियों ने हथियार छीन कर की थी फायरिंग, इसके जवाब में चारों आरोपियों की हुई मौत। महिला सुरक्षा पर लोकसभा में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। स्मृति ईरानी बोली, रेप की घटनाओं पर ना हो सियासत। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सभी ने की हैदराबाद पुलिस की जमकर तारीफ। महिला सुरक्षा को लेकर बोले राष्ट्रपति कोविंद, कहा पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दाखिल करने का अधिकार न मिले, संसद इस पर करे विचार। हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपियों के एनकाउंटर पर तेलंगाना पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने बताया कि आरोपियों ने हथियार छीनकर पुलिस पर फायरिंग की, इसके जवाब में फायरिंग के दौरान चारों आरोपियों की मौत हुई। तेलंगाना पुलिस के अनुसार आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ले जाया गया था। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। इस मुठभेड़ में चारों आरोपियों की मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद एनकाउंटर ने ताजा की वारंगल एनकाउंटर की यादें। 2008 में एसिड अटैक के 3 आरोपियों का हुआ था एनकाउंटर। VC सज्जनार ही थे तब वारंगल के पुलिस अधीक्षक। सोशल मीडिया पर हीरो की तरह उभरे हैं सज्जनार। जैसे ही शुक्रवार सुबह हैदराबाद आरोपियों के मारे जाने की खबर फैली तो ऐसा लगा कि किसी को इंसाफ मिल गया। उस डॉक्टर को इंसाफ मिल गया जो हैवानियत की शिकार हुई थी। उस परिवार को इंसाफ मिला जिसने अपनी बेटी खोई। इस एनकाउंटर की सब जगह वाहवाही हो रही है। लोग पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि ये सभी आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ठीक उसी जगह मारे गए जहां 10 दिन पहले इन सब ने गैंगरेप को अंजाम दिया था। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों के एनकाउंटर की घटना ने लोगों के जहन में वारंगल एनकाउंटर की यादें ताजा कर दी हैं। सोशल मीडिया पर 2008 वारंगल एसिड हमले के मामले को भी याद किया जा रहा है। इस एनकाउंटर में एक नाम खास था और वो है VC सज्जनार का, जिन्हें एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। सज्जनार पुलिस कमिश्नर हैं। 1996 बैच के एक IPS ऑफिसर सज्जनार ने 2008 में एक एसिड अटैक के मामले के 3 आरोपियों को गोली मार दी थी। सज्जनार नक्सल नेता नईमुद्दीन की हत्या में भी अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जब सज्जनार IG स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच थे। 2008 में वारंगल में क्या हुआ था? 2008 में वारंगल एसिड अटैक भी चर्चा में आया था। उस दौरान सज्जनार वारंगल के SP थे। बता दें कि साल 2008 में तेलंगाना के वारंगल में भी पुलिस ने इसी तरह के सीन क्रिएशन के दौरान एसिड अटैक के 3 अभियुक्तों को मार दिया था। उस वक्त भी पुलिस का कहना था कि सभी 3 अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था और बचाव में ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी थी। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार, जो हैदराबाद केस को देख रहे हैं, उस वक्त वारंगल के SP हुआ करते थे। दरअसल साल 2008 में वारंगल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 स्टूडेंट्स पर उनके साथ ही पढ़ने वाले 3 युवकों पर एसिड फेंकने के आरोप लगे थे। एसिड अटैक में दोनों छात्राएं बुरी तरह घायल हो गईं। बताया जा रहा था कि प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया गया। बाद में दोनों पीड़िताओं में से एक की मौत हो गई। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार कई माओवादियों के एनकाउंटर में भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग हुए अभी महज 1.5 साल ही हुए हैं।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना के बाद लोग किस कदर गुस्से में थे, इसका मंजर एनकाउंटर वाली जगह पर देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने चारों आरोपियों की एनकाउंटर के बाद राहत की सांस ली हो। लोग इतने खुश थे कि वो पुलिस वालों पर फूल बरसाने लगे, साथ ही हर तरफ लोग पुलिस वालों की तारीफ में जय हो के नारे लगा रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस वालों की तारीफ करते हुए मिठाइयां भी बांटी, जबकि महिलाओं ने घटना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को राखियां भी बांधी। तेलंगाना में वेटनरी डॉक्टर की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपी शुक्रवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराए गए। कमिश्नर वीसी सज्जनार से सुनिए कैसे हुआ एनकाउंटर। शमशाबाद एरिया में 27 और 28 की रात में एक वेटरनरी डॉक्टर को किडनैप, सेक्सुअली असॉल्ट करके और मर्डर भी किया गया। अब विक्टिम को बॉडी को लेके यहाँ चटानपली विलेज शादनगर मंडल में आके बर्न किया गया। ये दो केसेस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया हमारा एसीपी शादनगर। हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ा इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बट इनिशियली क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं था, फोन किया करके भी मालूम नहीं था, बहुत सेंसेशनल ऑफेंस था। बाद में हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद चार लोगों को मक्तल मंडल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से चार लोगों को अरेस्ट किया गया। मोहम्मद अलियास आरिफ, जल्लू शिवा, जल्लू नवीन, चिंतकुंटा चन्नकेशलु, ये लोग सब मक्तल मंडल का नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का है। इन लोगों को हम लोग 30th को अरेस्ट करके चरलपल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चरलपल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 days को मिला। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए। 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार की अगुवाई में पुलिस की एक टीम आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी रिक्रिएशन के दौरान पुलिस कर्मियों के हथियार छीनकर भाग रहे थे, इसी दौरान क्रॉस फायरिंग में चारों मारे गए। हालांकि अब इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे हैं। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। हैदराबाद एनकाउंटर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि एनकाउंटर हमेशा सही नहीं होते। इस मामले में आरोपी पुलिस की बंदूक छीनकर भाग रहे थे, ऐसे में शायद पुलिस का फैसला ठीक है। देखिए, हम सभी लोग इस पे कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग थी जुडिशियल सिस्टम, जो कि हमारा लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड है, उसके अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पुलिस ने जो कार्रवाई की वो किन परिस्थितियों में करी हमें नहीं मालूम। जब तक हमें उन परिस्थितियों का नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। फिलहाल लोग इस बारे में खुश हैं कि ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो जस्टिस सिस्टम है थोड़ा डिलेड है। हम उस पर कार्रवाई करें,
ना कि इनका मतलब इसको इनकाउंटर को हमें ये रोजमर्रा की चीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर देश का एक लॉ होता है और लॉ के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि ये ऐसे जितने भी केसेस हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाएं और जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई हो, डिसीजंस हो। यहाँ जहाँ तक कि इनकाउंटर की बात है, ये पुलिस ज़्यादा बेहतर बता पाएगी कि कैसी परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया, और जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, ऐसी परिस्थिति में वो भाग रहे थे, आर्म्स लेके भाग रहे थे, तो मुझे लगता है ये ठीक कार्रवाई है। फिलहाल हमें इंक्वायरी की वेट करनी चाहिए, किस तरह की परिस्थिति थी वो जानना जरूरी है। तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं? मैं सवाल नहीं खड़ा करूंगी, देर ऑलरेडी मैजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की इंतजार करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया, लोग कई लोग सवाल उठा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है वो आरोपी ना हो, अभी तो आरोपी बनाए गए। इसीलिए कोर्ट में जाना जरूरी होता है हर केस का, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा कि आरोपी है या नहीं है। हर केस कोर्ट में जाता है, इसलिए पुलिस की कार्रवाई है कि वो अपने सारे जितने एविडेंसेस हैं वो पेश करें, और कोर्ट का काम है सजा देना, पुलिस का काम नहीं है। लोग आज तो खुश हो रहे हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन हम चाहते थे कि ये कोर्ट के थ्रू इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर इनको यही सजा मिलती। जनभावना लोग जो है वो खुश है, कई लोग कह रहे हैं कि निर्भया के आरोपी को भी इसी तरह से सजा दे दिया जाए। निर्भया का केस अभी बहुत दूर तक पहुंच गया, प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना है इस पे, और मुझे लगता है जल्दी लिया जाएगा। 7 साल नहीं लगने चाहिए थे, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था वो केस। कहीं ना कहीं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा देरी होती है, और इम्प्लीमेंटेशन को के ऊपर ही सुधार होना चाहिए। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले 4 आरोपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए हैं। इस घटनाक्रम पर निर्भया की मां आशा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस एनकाउंटर को पूरा जायज बताया। 7 साल से निर्भया के दोषियों को सजा मिलने का इंतजार कर रही उनकी मां आशा देवी और पिता ने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर कर नजीर पेश की है। कम से कम अब हैदराबाद केस के पीड़ित परिवार को रोज रोज आरोपियों का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन पहले जो हैदराबाद में घटना घटी थी, उनके 4 आरोपी को आज हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। क्या खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं, बहुत अच्छी तरह से खुश हैं। जैसे हमको ये खबर मिली कि नहीं इनकाउंटर में 4 दोषियों को मार दिया गया है, तो मैं बहुत खुश हुआ। कम से कम एक बेटी को न्याय मिला, एक परिवार को न्याय मिला। हम तो 7 साल से कानून की प्रक्रिया को देख रहे हैं, चल रहे हैं, अभी तक तो हमें तो न्याय मिला नहीं, उनको फांसी हुई नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम खुश हैं, और दूसरी खुशी का कारण यह है कि वो परिवार जो हम झेल रहे हैं बीच का जो घटना हुई अब तक 7 साल का, तो ये बीच के जो वकीलों से सामना होता है, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, मुजरिम वहाँ पर सामने होते हैं, वो कैसी प्रक्रिया होती है, कैसा लगता है, ये सब बहुत पेनफुल होता है। तो इस वजह से वो परिवार बच गया इन सब चीज़ों से, ये खुशी बात है। दूसरी बात कि पुलिस पर लोग उंगली भी उठाते हैं, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया। तो वो एक सिचुएशन बना होगा, जैसे भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई बता रहा कि पत्थर मार रहे थे, तो जब पत्थर मारोगे पुलिस को, भागने की कोशिश करोगे, हथियार छीनने की कोशिश करोगे, तो अब रास्ता तो कुछ है नहीं, या तो पुलिस वहाँ मर जाती या चोट खा जाती, तो क्या होता, तो भाग जाते, तो हम ही लोग तो पुलिस को उंगली उठाते कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों ले गई थी, 1000 प्रश्न खड़े होते। तो उन सब चीज़ों को, सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने जो काम किया है, जो डिसीजन लेकर उनको इनकाउंटर किया, बहुत अच्छा किया है। जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? कई राजनीतिक दल के कई नेता सवाल उठा रहे हैं, देखिए नहीं करना चाहिए। देखिए राजनीतिक नेता लोग जो हैं उनको शायद वोट बैंक अपना दिख रहा होगा कि क्रिमिनल ही उनको वोट देते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि समाज वोट देता है, तो इस वजह से कह रहे हैं। लेकिन एक क्रिमिनल के लिए, एक गलत लोगों के लिए इन नेताओं का आंसू बहाना तो घड़ियाली आंसू है, उनका तो कोई मतलब होना नहीं। उनको समर्थन करने चाहिए जनता का, जिसमें जनता खुश है उसमें उनको खुश होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, तो वो घड़ियाली आंसू है। और दूसरी बात कि उनको इस तरह करना नहीं चाहिए। आप जहाँ बैठे हो, आप कोई
जनता नहीं हो, आप एक जनता के प्रतिनिधि हो और जनता चाह रही वो हो रहा है, तो आपको इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा है उसको आपको मानना चाहिए। 16 दिसंबर आने वाला है, अभी तक आरोपी को फांसी नहीं दिया गया जो कि निर्भया के साथ हुआ था, क्या आप चाहते हैं कि निर्भया के आरोपी को भी इसी तरह से इनकाउंटर कर दे दिल्ली पुलिस? नहीं, इनकाउंटर को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका एक सिचुएशन अलग था, जो भागने की कोशिश कर रहे थे या एक तरह से पुलिस के साथ भी बर्बरता करना चाह रहे थे कि किसी तरह से इनको आँख में धूल झोंक के भाग जाएं, लेकिन हमारे मुजरिम ऐसा तो नहीं है कि भाग लेंगे, तो जब भागेंगे नहीं तो उनको गोली कौन मारेगा, तो इसलिए हमें नहीं चाहते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया पूरी हो गई है उसको जल्द से जल्द इनको फांसी पर लटकाया जाए। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपी को आज सुबह हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्भया के माँ आशा देवी हैं। मैम, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची को इंसाफ मिल गया, वो उसको परिवार को हमारे जैसे 7 साल जूझना नहीं पड़ेगा। और जो भी इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, जिस सिचुएशन में हुआ है पुलिस ने सही डिसीजन लिया है। अगर पुलिस उनकी इनकाउंटर नहीं करती तो उनका इनकाउंटर होता, या तो वो मुजरिम भाग जाते, तो मुजरिम भाग जाते तो फिर किसी के साथ क्राइम करते, फिर किसी को जलाते। तो जो भी डिसीजन है, जो भी पुलिस ने, हैदराबाद पुलिस ने किया है, मैं उनके फैसले का स्वागत करती हूँ। और चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, उनकी उन पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई कार्रवाई। लेकिन कई पॉलिटिशियन सवाल उठा रहे हैं पुलिस के इस कार्रवाई पर। देखिए, जो भी ये सवाल उठा रहे हैं उनकी अपनी अपनी मानसिकता है, जो भी वो सोच रहे हैं। वो सवाल तभी उठाते जब पुलिस के कस्टडी से वो 4 मुजरिम भाग जाते तो कहते कि हैदराबाद पुलिस ने काम नहीं किया, उनको भगा दिया। तो कहने का कोई नहीं है, कोई कहता अच्छा नहीं हुआ, किसी का जान नहीं लेना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या वो किसी का जान नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी की जब मौत हो जाती है तो कोई वहाँ से जाके पार्टी, शादी में पार्टी मनाता है, ये मनाना चाहिए? तो ये बिल्कुल जो भी करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। कम से कम मैं आज इस पे नहीं सोचना चाहती हूँ। जो भी हुआ है, जो भी हैदराबाद पुलिस ने किया है, बिल्कुल सही किया है, सही डिसीजन लिया है। मानव अधिकार ने जांच का आदेश दे दिया। मानव अधिकार का जांच बिल्कुल रद्द होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इन मानव अधिकारों के वजह से हमारी लाखों बेटियां मर रही हैं और लाखों मुजरिम जेल में पल रहे हैं, तो इनका अधिकार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। सरकार को, हमारे जो भी हमारा आयोग है, जो भी संस्थान इस जांच का आदेश देता है, बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हैदराबाद के हैवानों को मिली इस सजा के बाद देश भर में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी संदेशों की बाढ़ आ गई है। आरोपियों को मौत के घाट उतारने की खबर से स्कूली छात्राएं भी बेहद खुश नजर आईं। डॉक्टर जी के साथ ऐसा केस हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस इस तरीके से अगर कदम उठाया है तो बहुत अच्छा उठाया। हम सभी लड़कियां उनसे बहुत मतलब ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनको उसी टाइम पे ख़त्म। क्योंकि बाहर की देखी जाए तो इंडिया के बाहर जो भी ऐसे रूल्स बने हैं, रूल्स सब एक ही जैसे हैं, लेकिन उन्हें सीधे गोली मार दी जाती, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। पहले वहाँ जांच, सारी जांचें की जाती हैं और उनको देखा जाता है, सुना जाता है, तब तक सारे केस बंद हो जाते हैं। उसके बाद बंद होने के बाद सारे जो क्रिमिनल है वो छूट जाते हैं। उससे हमारे देश में और ज़्यादा रेप होते हैं, जिससे कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और रूल्स बनाने चाहिए और एकदम कदम उठाना चाहिए स्ट्रिक्ट। हमारे हाथों अगर वो दे दिए जाए तो हम भी यही चाहेंगे कि हम तो ऐसे ही करेंगे, उनको भी जला के राख कर देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पसंद है कि हमारी लड़कियों के खिलाफ, हम लड़कियों के साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किया उत्तर प्रदेश पुलिस को भी यही करना चाहिए, जितने आरोपी हैं उनको अब पकड़ के ऐसे ही उनके साथ सजा देनी चाहिए, क्योंकि अब आरोपियों को सजा देने की बात है। आज कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप लोग, उन आरोपियों को जिन्होंने, उन लोगों ने दरिंदगी की थी, उनको आज सजा मिल गई? हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं जो उन लोगों को सजा मिल गई, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए सभी लोगों के साथ। जो आरोपी ये बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, उन लोगों को ऐसे ही पकड़ के सीधे एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सरकार जो होती है वो ऐसे ही
लेके केस बंद कर देती है बाद में, लेकिन हम लोगों को अगर पुलिस को छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो वो जितने आरोपी हैं वो उनको ऐसे ही ख़त्म कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा। हम ये कहना चाहते हैं जो हम जो लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा अपराध करते हैं अपने प्रशासन से अपनी पुलिस से, बस हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उन अपराधियों के पैर पर नहीं उनके सीने पर गोली मार करके उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आगे जितने भी अपराधी ये करने की सोच रहे हैं वो एक बार करने से पहले सोचे कि उनके साथ कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। लोग यहाँ पर जो हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसमें जो हैदराबाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया, यही कार्य उन्नाव पुलिस को करना चाहिए। हमारे जो ये कार्य जो घटना हुई है उसके प्रति हम लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है, और जो हैदराबाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है उससे हम सभी बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन्हें तो और भी ज़्यादा तड़पा कर मारना चाहिए। उन्नाव कांड में जो घटना हुई है ऐसे उन्नाव पुलिस को उनको उनके आरोपियों को जल्दी पकड़ना चाहिए और उन्हें जल्दी ही सजा देनी चाहिए। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई प्रमुख महिला नेताओं ने इस एनकाउंटर का समर्थन किया है, साथ ही उन्होंने बाकी राज्यों की पुलिस को इससे सबक लेने को कहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून के, फिर तो आप बंदूक उठाओ और जिसको भी मारना मारो। देर आए, बहुत देर आए। आज सुबह उठते ही जो खबर मिली उससे दिल को बड़ा शगुन मिला है। हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिरा है। इसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया है और पुलिस के इस निर्णय के हम साथ हैं। आज पूरा देश खुशी मना रहा है और जब एनकाउंटर स्थल के ऊपर आम जनता द्वारा हैदराबाद पुलिस के ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है, इसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे एक देश की महिलाओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है और महिलाओं के साथ सम्मान हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हैदराबाद पुलिस का। रेड्डी रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया, आत्मा रो पड़ी, और आज जब हैदराबाद पुलिस ने उन चारों रेपिस्ट को एनकाउंटर में मार गिराया एक खुशी की लहर जाग गई, एक मन में आशा जागी है कि शायद हम इस बढ़ते हुए दरिंदगी को रोक सकेंगे। और ये कहना कि पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया ये सवाल इस समय का नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने उन आरोपियों को खत्म कर दिया, क्योंकि जिस तरह इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि आज निर्भया के रेपिस्ट तिहाड़ जेल में बैठे हैं और हम उनकी मर्सी पिटीशन की बात कर रहे हैं, और शायद उसी से बाकी दरिंदों का भी मनोबल बढ़ गया है। आज की इस हैदराबाद पुलिस के एक्शन से कंट्रोल होगा, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह यूपी पुलिस और बाकी स्टेट की पुलिस भी काम करे तो हम इस रेप के जो गैंग रेप का कल्चर हुआ है उसको रोक सकेंगे। पूरे देश ने सुकून की सांस ली है। जो जस कीन सो तस फल चाखा, जल्दी न्याय मिला है। हम कल्पना कर सकते हैं उस बेटी की जिसके साथ, उस बेटी के कष्ट की जिसके साथ निर्दयतापूर्वक रेप किया और बाद में जिंदा जला दी गई, कितना कष्ट हुआ होगा उस बेटी को। उसके कष्ट के सामने तो इनका कष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन देश ने राहत महसूस की। सठम साक्षम समाचारे, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। हमने तो यहाँ फांसी की सजा का प्रावधान किया, बलात्कारी अगर मासूम बिटिया के साथ रेप करेंगे तो, लेकिन उस कानून पर भी सवालिया निशान इसलिए है कि लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी, एक भी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका, मनुआ भान की टेकरी, बाली बिटिया की मां भटक रही है आज भी न्याय के लिए। अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, और इसलिए जब ऐसा विलंबित होता है न्याय तो डर खत्म हो जाता है, तुरंत न्याय होना चाहिए।
लोकसभा में आज हैदराबाद एनकाउंटर का मसला उठाया गया, जिस पर जमकर बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मामले में धर्म का एंगल लाने पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान के विषय में सांप्रदायिकता एंगल जोड़ना गलत होगा। इस मुद्दे पर स्मृति ईरानी और कांग्रेस के कुछ सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आज एक सांसद यहाँ पर बंगाल से, मैं नाम नहीं ले रही हूँ महोदय, मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ उस पर चुप्पी साध ली, पता नहीं है तो जाके पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए। जिन लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में इस्तेमाल किया, आज जाकर वो यहां पर भाषण दे रहे हैं। मैं महोदय मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन एक इस सदन की सदस्य के नाते कुछ बोलना चाहती हूं और आशावादी हूं कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले, क्योंकि मैं बिना किसी का नाम लिए बोल रही हूं। क्या ये सत्य है कि सदन ने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजाए मौत को इंगित करवाया? ये सत्य है। क्या ये सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने स्टॉप शाउटिंग एट मी फॉर माई एबिलिटी टू प्रोफेस माई व्यूज? अलाउ मी टू फिनिश व्हाट आई वांट टू से एज अ मेंबर। The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seat. You were quiet when in West Bengal the panchayat election rape was used as a political weapon. You were quiet. I would like to hear say today, sir. आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद एनकाउंटर उन्नाव की घटना का जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्नाव की पीड़िता 90% जल गई है, देश में क्या हो रहा है? उन्नाव गैंगरेप पीड़िता राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, जहां पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जानकारी मिली है कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है, अभी वेंटिलेटर पर है। अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम है। हालांकि डॉक्टर उसे बचाने के हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता लगातार अपने भाई से कह रही है कि अपराधियों को मत छोड़ना। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता को गुरुवार देर रात लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा पाए दुष्कर्म के अपराधियों को दया याचिका का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि इस बारे में कानून संशोधन का काम संसद को करना होगा, लेकिन सबकी सोच इसमें एक होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में ये बात कही। महिला सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसका उल्लेख भी किया गया। इस विषय पर बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है।
बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी। और इसी संदर्भ में कई बातें आ रही हैं। एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है, और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने आज शून्यकाल के दौरान देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को रखा। इस दौरान कई अन्य सांसदों ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। आरके सिन्हा जी, उपसभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रदूषकों और औद्योगिक बहिष्माव से मुक्त साफ हवा में सांस लेने का अधिकार का उपबंध करने उपयुक्त प्राधिकारियों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अधिकार प्रदान करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की निगरानी को बढ़ाने, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में निर्धारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यनीति को विधायी संस्वीकृति प्रदान करने और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. माननीय उपसभापति जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।